दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चेतन चौधरी और आप देख रहे हो किसान सफर यात्रा। ये जो पीछे गाय देख रहे हो ये हमारे रिलेटिव की है, विपुल भाई चौधरी की। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको पूरा तबेला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो शेड है, शेड की बात मैं आपको करूँगा, गायों की बात करूँगा कि कितना दूध निकालती है सारी गाय। आप देख सकते हो कितनी गाय दूध देती है, कितनी गाय अभी ड्राइपर छूटी हुई है, उसका कौन सा खान जो देते हैं वो हम बातचीत करेंगे, सभी बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे नए खेडूत भाई जुड़े हैं वो हमारे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये गाय जो हम सभी गायों की बातचीत करेंगे, ये गाय है अभी दूध देती नहीं है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये गाय बियाती है तो एक टाइम का 13 से 14 किलो जितना दूध निकालती है। ये गाय बहुत ही अच्छी है, शांत स्वभाव की है। हम ये गाय की बात करें, ये गाय को पैर में थोड़ी तकलीफ है, ये गाय दूध की हिसाब से बहुत ही शानदार है, उसकी हाइट भी बहुत ही शानदार है। ये गाय अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी 6 महीने बिया चुके हैं, अभी दूध एक टाइम का 6 किलो जितना निकालती है। ये गाय अभी हम नए लाए हैं, ये गाय हम 50,000 में खरीद कर लाए हैं। ये गाय के नीचे 9 किलो एक टाइम का दूध निकालती है, अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है क्योंकि एक ही महीना बियाने में हुआ है। आप देख सकते हो उसका आर्डर भी बहुत ही शानदार है। ये गाय देख सकते हो, ये गाय आप देख सकते हो ये पहली बार ही बियाई है, अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी दूध 2 किलो एक टाइम का निकालती है क्योंकि 1 महीने बाद हम उसको ड्राइपर छोड़ने वाले हैं। दोस्तों आइए, ये गाय जो आप देख सकते हो ये गाय थोड़ी डरी हुई लगती है। ये गाय जो हम सेक्सिमन बोलते हैं ये लगाया था, उसकी बछड़ी है, बहुत ही शानदार है। उसका एक टाइम का 8 किलो जितना दूध निकालती थी, अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, बियाने वाली है। आप देख सकते हो अभी वो दूध एक टाइम देती है। ये गाय जो आप देख रहे हो ये गाय अभी प्रेग्नेंट है, ये अभी 2 टाइम दूध देती है, सुबह और शाम 3-3 किलो जितना दूध निकालती है, बहुत ही शानदार है और 8 महीने की प्रेग्नेंट है। ये गाय जो आप देख रहे हो ये बहुत ही शानदार, ये गाय हम पंजाब से खरीदी हुई है। आप देख सकते हो उसकी हाइट की बात करें तो बहुत ही शानदार है, पंजाब में दूध गाय ज्यादा निकालती है इसीलिए हमने पंजाब से लाए हुए। उसकी हाइट की बात करें तो बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हो उसका आर्डर भी बहुत ही शानदार है, छोटे छोटे थन है। यहाँ का पूरा सा मैं आपको डिटेल से बताऊँ तो यहाँ पर पूरी जो गाय और बछड़ी सभी मिला के बातचीत करें तो 30 जितनी है, अभी 11 जितनी गाय दूध देती है, बाकी की गाय ड्राइपर छूटी हुई है। आप देख सकते हो ये हम पंजाब से 65,000 रुपया देकर खरीद कर लाए हैं, अभी उसके नीचे 12 किलो जितना दूध है। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार है, उसका थन भी लटका हुआ नहीं, बहुत ही चुटका हुआ नहीं है, छोटे छोटे थन है। आपको थन थोड़ा कम दिखेगा लेकिन गाय बहुत ही शानदार है। ये गाय आप देख रहे हो ये भी हम पंजाब से खरीद कर लाए, ये तीनों जो लागत बांधी हुई है वो तीनों गाय हम पंजाब से लाए हुए। इसकी कीमत की बात करें तो 65,000 रुपया कीमत हम तीनों की देकर लाए हैं, 65,000। ये तीनों गाय 10 लीटर से ऊपर एक टन का दूध देती है, उसके नीचे बछड़ा है, उसके नीचे बछड़ी है, ये 1 किलो का 14 किलो जितना दूध देती है। आप देख सकते हो जो पंजाब की गाय है उसके फैट की बात करें तो 4 से 4.5 टका जितने फैट आते हैं। ये अभी टाइम हुआ है सुबह का 9 बजे इसीलिए आपको थोड़ा आर्डर कम मिलेगा। आप देख सकते हो ये गाय देख सकते हो ये भी हम पंजाब से लाए हुए हैं, उसकी भी कीमत 65,000 रुपया हम देकर लाए हैं, उसका थन भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा। ये गाय हाइट में छोटी है, हम परपर ही बड़ी की है, आप देख सकते हो उसके नीचे अभी 7 किलो जितना दूध है, 2 महीने की प्रेग्नेंट है और दूध भी बहुत ही अच्छा देती है। ये गाय पहली बार बियाई चुकी है, आप देख सकते हो वो बहुत ही शानदार है, हमने जो सेक्स सीमन दिया था उसकी बछड़ी है। यहाँ तबेले में हम कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी ब्रीडिंग जितनी हो सके इतनी अच्छी अच्छी ब्रीडिंग ले सके। ये पहली बार बियाई चुकी है, आप देख सकते हो उसका आर्डर भी बहुत ही शानदार है, ये सेक्स सीमन की है। थैंक यू दोस्तों। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे समाज में जो युवा गांव में रहते हैं वो प्राइवेट नौकरी छोड़कर अलग अलग प्राइवेट नौकरी करते, उससे अच्छा है कि ऐसा तबेला बनाकर घर की खेती है, घर का बोर है, पानी की व्यवस्था है, तो अच्छा हो कि हम घर पर ही ऐसा बड़ा तबेला कर कोई प्राइवेट जॉब ना करें। सरकारी जॉब हमारे समाज में जो लोग करना चाहते हैं उसको मैं कहना चाहता हूँ कि वो ही करें, और सरकारी जॉब से बढ़िया कोई नहीं, उस युवा को तैयारी में ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं उसके लिए ये बढ़िया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों।